हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रियक लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। मैं बना रही हूँ वड़ा पाव गर्मा गर्म। सुबह सुबह का दिन है, शनिवार है, तो इन्होंने बोला चलो यही सब कुछ बना दो, तो बस वड़ा पाव फटाफट से बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था लिटरली। मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आलू को ना फैला दिया था, क्योंकि गर्म गर्म था ना इसीलिए, तो टिक्की बनाने में टाइम लगता है इस ठंडा होने में, तो इसलिए फटाफट से मैं बेसन का घोल घोल ली और एक एक वड़ा बना बना के फटाफट से रखते जा रही बिना किसी की हेल्प से। बाबू भी ना पीछे थोड़ा सा अभी रोना शुरू जस्ट करने वाला था, इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, ये ऑफिस निकलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे, वो रोने भी लगा और ये भी थे, इनको भी ऑफिस के लिए निकलना था, पर थोड़ा सा ये मैनेज कर लिए, बाबू को देख लिया और मैं फटाफट से तल ली, तो फटाफट से ही हो गया, जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर ये होता है कि कोई एक हेल्पिंग के लिए, छोटा बच्चा ही क्यों ना, पर होए तो अच्छा रहता है, कम से कम बच्चा संभाल लेते हैं। पर ठीक है, अब जैसे तैसे हो ही गया। तो वड़ा पाव किस किस को रेसिपी जाननी है बताना, वैसे तो ये इजी होता है, सबको पता है, बट जिसको नहीं पता होगा मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके साथ ज़रूर डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी। हाँ बेटा, और ये देखो मेरा वड़ा पाव तैयार है, ये पाव लेके आ गए हैं। अच्छा, सच बताना, और अब मैं इनको खाने के लिए दे दी, और अब मैं जो बचा हुआ है ना फटाफट से वो भी डाल दे रही हूँ। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, नॉर्मल सा बनाई थी ताकि सब लोग एक एक बार खा ले। और डुगू के लिए मैंने रख दिया, नहीं सॉरी, आज सैटरडे था तो डुगू को ठंडा होने के लिए रखा है, और बस यही सारा कुछ था। और इसके बाद दीदी को भी दिया, वो घर पे, मतलब भिजवा दिया डुगू से मैंने दीदी के घर पे, ताकि दीदी भी टेस्ट कर ले कैसा है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, नॉर्मल सा बनाई थी, तो आप लोग वीडियो आगे एंजॉय करो, और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। और भाई रखो गर्म गर्म पटाखे, कैसा लग रहा है? मूड मत खराब। और पहली बार अभी तक डुगू का भी इन्होंने नहीं किया था, इसका कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी ना, तो इसने पॉटी कर दिया, तो इतने फटाफट से उसी लागे तुरंत नहला भी दिए बाबू को पहली बार। डांस कर रहा है, नहाने आ रहे हैं। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। ठीक है, से आप लोग पहचाने जाओगे कि मैं पूजा वीजा की हूँ, तो एक्चुअली पूजा घर पे तो रोज़ होती है। मैं अभी गई थी सत्यनारायण भगवान की पूजा में, और बस व्लॉगिंग सुबह से नहीं की थी, इस वजह से चलो व्लॉग कर लेती हूँ, थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, इंट्रो शूट नहीं की हो तो इंट्रो कर लेती हूँ। और जस्ट अभी मैं आई हूँ, बाबू सो के उठा है, वापस से पीटू अगेन, उसकी बड़ी दीदी संभाली, बाबू रुक जाओ, तो पीटू पढ़ेगी भी और बाबू झूला में सोएगा, और पीटू अपना पढ़ाई करेगी। मैं जा रही हूँ छोटी सी शॉपिंग करने, क्या लेना है किसके लिए लेना है वो तो आप लोगों को पता ही है। इनके लिए कपड़े लेने, क्योंकि उस दिन मैं दी थी तो इनको जमा नहीं था, इसलिए खुद से लेंगे, और मैं मेरे लिए भी कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लूँगी। तो चलिए चलते हैं, क्या पसंद आता है, कहाँ से लेंगे वो आपके साथ तो शेयर ही होगा। बैर लेने जा रही, क्या बोलते हैं इसको? हाँ दीदी, अच्छा गांव में झर बैर बोलते हैं। सोचो हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने डी मार्ट, और यहाँ पे ये गंदा है। वाह यार, बहुत है वो, देखो ऊपर, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बट बहुत है। मैं भी तोड़ने चल रही,
दीदी चल बस कर, कहा वो देख उसमें बहुत है, यहाँ से चमक रहा है, दिख रहा है पूरा एकदम दीदी, बल्कि उसमें बहुत है, चमक रहा है। हाँ दीदी बस हो गया, पूरा गांव एकदम सन्नाटा लग रहा है। वो भी है ना वही वाला, उसमें नहीं। सो अभी हम हाँ गए हैं डी मार्ट, बिकॉज हम लोगों को थोड़ी बहुत कपड़े की शॉपिंग करनी थी, दीदी को ब्लैंकेट्स वगैरह लेने थे तो सब ले ली, बेडशीट वगैरह दीदी को लेना था, मुझे तो कपड़े लेने थे अपने लिए, डुगू के लिए और इनके लिए। तो चलते हैं ऊपर, पहले तो हम लोग ना नीचे ही देखने लगे, तो जो नहीं भी लेना था ना वो भी सारी चीज़ें बस ऐसी लेते गए, सॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा नीचे बिल बन गया था। ऊपर जाके तो दीदी का चलो बेडशीट ब्लैंकेट हो ही जाएगा, हम लोग का नहीं हो पाया था। आप लोग आगे वीडियो पे बने रहना, वीडियो पे बने रहोगे ना तो वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपको नहीं समझ पाएगा क्या कुछ हुआ था। लाइट शेड मत ले, ये ले लो बहुत अच्छा है। ये क्या करोगे? ले लो। तो फ्रेंड्स मैं आ गई घर और आते आते पता 6:30 बज गया, तुरंत पानी आया था, पानी भरने लगी और बाबू इतना रो रहा था ना, मतलब 3 घंटा बेचारा अकेले रहा पीटू के साथ। तो पीटू फटाक से मुझे दी और उसके बाद अभी वो सुलाई उसको, मैं वो सो गया और आते से ही ये बोले मेरे को बुखार जैसा लग रहा है, सूप बना दो। तो सूप का पैकेट नहीं लाई थी, लेकिन मैं घर पे ही सेजवान चटनी ये सब डाल के जैसे ही बनाती हूँ वैसे बना दूँगी। चलिए मैंने कढ़ाई रख दी है, एक्चुअली ये लाइट ना बना रहे थे, लाइट नहीं थी किचन में, तो मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे इंजीनियर साहब बोर्ड बना रहे हैं, क्या कर रहे हो? सुबह से ब्रश नहीं किए थे क्या? किए थे, फिर वापस क्यों कर रहे हो? नया ब्रश लाया वही ट्राई कर रहे हो? ओ, क्या बिना। तो यहाँ पे ये कर रहे और दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे अंधेरे में रखी हूँ कढ़ाई, मैंने यहाँ पे लहसुन काट लिया है, कांदा और शिमला मिर्च, सॉसेस वगैरह यहाँ रख लिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने अरारोट घोल के रख लिया है, कॉर्नफ्लावर, और अब चल रही तड़का मारने फटाफट से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से तड़का मार दी लहसुन कांदा और शिमला मिर्च का, और इसका ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, एकदम कच्चा कच्चा सा ही रखूंगी, उसके बाद सॉसेस वगैरह डालूंगी। और ये देखो अंधेरे में बना रही हूँ सूप, सो ऑलमोस्ट डन हो गया है, बट अभी ये कच्चा है। अब बताओ अच्छा। सही बताओ वो अच्छा, आप जीजा बताओ है? ठीक है, देखो देखो अच्छा, इतने चालाक है। आप बाहर पीते हो ना, आपको यही पसंद है, तो आज नहीं जम रहा है, तीखा है अच्छा। तो आपको तीखा ही पसंद है, बनाओ तो प्रॉब्लम, नहीं बनाओ तो बोलेंगे कृष्णा 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 हरे श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गणपति बाप्पा मोरी यशोवली मैया की जय, रुक्मणी मैया की जय, विट्ठल बाबा की जय, बजरंग बली की जय, गाइस दिन भर कैसा गया कैसा नहीं वो आपके साथ शेयर ही हुआ है, और वीडियो कितना बड़ा हुआ है मुझे भी नहीं पता, बस छोटी मोटी सी शॉपिंग। एक्चुअली जो शॉपिंग करने गए वो तो काम नहीं हुआ, बट एक्स्ट्रा शॉपिंग हो गई, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, जितना सोच के नहीं गए थे, अच्छा खासा बजट बन गया। पर ठीक है, अनवांटेड तो कुछ नहीं होता है, हर चीज़ ज़रूरत होती है तभी लेवाता है, बट ये होता है कि कब कब चाहिए,
जो आगे चाहिए था वो पहले ले लिए और जो ज़रूरत की चीज़ थी वो अभी नहीं हुई है, तो बस यही सारा कुछ है। और टी शर्ट लेने गए थे, इनको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं कुछ अच्छा मिला डी मार्ट में। अब मॉल नहीं जाना चाह रहे थे बट अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा है, और देखते हैं लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। बस यही सारा कुछ है। और अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस। दोनों बच्चे सो गए, बिग बॉस देख रहे हैं। अभी 3 लोग बाकी हैं, देखते हैं। बार बार मेन चीज़ के टाइम ही ऐड आ जा रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि जब इतना देर देखे तो थोड़ी देर और सही, देखते हैं कौन जीतता है। आप लोगों को क्या लगता है, मुन्नावर, मनारा और अभिषेक में से कौन जीतता है? आप लोग किसका सपोर्ट करते हैं? मैं तो सपोर्ट करती हूँ अभिषेक का। मैं चाहती हूँ अभिषेक जीते, लेकिन देखते हैं कौन जीतता है। और अभी तीनों में से निकलता कौन है वो भी, बट मैं बोल रही हूँ मनारा निकलेगी, ये बोल रहे हैं मुन्नावर निकलेगा। अभिषेक तो चाह रहे कि जीते तो इसलिए उसका कोई दोनों जन नहीं बोल रहे हैं। देखते हैं, और जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक रिजल्ट आप सब लोग देख लेंगे, बट अभी मैं मेरा व्लॉग कर रही इसलिए मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। डुगू देखो क्या किया है, ये सोफे को ऐसे रख दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।